हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पूजार में स्वागत है। तो आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही दुखद विषय है कि आईपीएल ऑक्शन 2022 में सुरेश रैना को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया, क्या कारण थे, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। उस सभी से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे वेंकटेश एच पुजार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में मैं इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखना चाहिए वो भी बताऊंगा। महान खिलाड़ी सुरेश रैना को आईपीएल ऑक्शन 2022 में नहीं लिया गया। जो खिलाड़ी एक दशक से भारतीय टीम की कमान संभाले हुआ था, जो भारतीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है क्रिकेट का, उसमें छठे पायदान पर अपने आप को साबित कर चुका था, जो एक दशक से आईपीएल का सुपरस्टार था, जो सीएसके की जान था, जिसे चिन्ना थला कहते थे। सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी के बाद सबसे ज़्यादा बोलबाला किसी प्लेयर का था तो वो है हमारे चिन्ना थला सुरेश रैना। लेकिन कुछ ही कारणों की वजह से उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा, और उसी के साथ उन्होंने पिछला जो हमारा आईपीएल था कुछ कोरोना के कारण नहीं खेल पाए। तो कुछ एक साल से उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बेस प्राइस आईपीएल 2020 में सिर्फ 2 करोड़ रखा था। तो सीएसके अगर चाहती थी तो उनको रिटेन कर सकती थी, उनको अपनी टीम में वापस ले सकती थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, उन्होंने ये नहीं किया, और इस बात से सीएसके के पूरे फैंस भी बहुत खफा हैं और आईपीएल के पूरे फैंस भी खफा हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको और एक मौका देना चाहिए था। वो और अभी जो वो ऑक्शन में नहीं सेल हुए हैं, उसके बाद वो जो इंटरव्यूज दे रहे हैं उन पे वो क्या बोल रहे हैं हम वो देख सकते हैं। महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ इस चीज़ की आलोचना कर रहे हैं कि उनको और एक मौका दिया जाना चाहिए था। अगर उनको एक और मौका दे दिया जाता तो वो अपने आप को शायद साबित कर लेते थे। इस चीज़ से हमको क्या सीखने को मिलता है कि अर्श से फर्श तक लाने में किसी को भी समय नहीं लगता है। उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, जब सूरज डूबने लगता है तो उसे कोई भी नहीं पूछता। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी और श्रद्धा से अपने काम को करते रहिए। अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए, नहीं तो कोई आपसे आगे निकल जाएगा। ये दुनिया बहुत तेज हो गई है। अगर आपके साथ, अगर आप अच्छा कर रहे हैं जीवन में, अच्छा आगे चल रहे हैं, फिर भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो हार मत मानिए और फिर से उठ खड़े होइए और दुनिया को गलत साबित कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। तो ज़िंदगी है हमेशा हमको एक बात याद रखनी चाहिए कि ज़िंदगी है तो इसमें उतार चढ़ाव लगे ही रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी है तो कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं तो राह है, राह है तो मंजिल है, मंजिल है तो हिम्मत है, और जिसमें हिम्मत है उसकी सदैव जीत है। आपका जो भी बुरा टाइम चल रहा हो उससे आप लोग ज़रूर बाहर निकलेंगे। अपने आप को हिम्मत दीजिए। मैं आशा करता हूँ सुरेश रैना भी अपने इस काल से उभरेंगे और हमको वापस आईपीएल में दिखेंगे अगले साल। मैं यही मनोकामना करता हूँ। जो भी इस न्यूज़ को देख रहा है, इसको जो मैंने अभी उपदेश दिया है उसको सुन रहा है, मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चीज़ के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या समझते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।